तो भाई स्वागत है आपका एक और स्पेस फैक्ट्री की वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बहुत से काम करेंगे, पर यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो यार जल्दी से जाकर कर दो, क्योंकि हमें भाई जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर यार कंप्लीट करने हैं। तो भाई एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे आपको मैं आपको बता देता हूँ मैं कि ना मेरी थोड़ी सी भाई रिकॉर्डिंग ना भाई करप्ट हो चुकी है। तो भाई आपको थोड़ी सी भाई हाफ वीडियो ही देखने को मिलेगी, तो पर यार आप भाई देख लेना क्योंकि मैंने बस थोड़ी सी कटी है भाई, एक करप्ट हुई है थोड़ी सी वीडियो, तो भाई दिखा देता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पर मेरा मैं बना रहा था मॉब फार्म, क्योंकि हमें भाई आगे की वेपन बनाने के लिए चाहिए होगा विदर का वो नेदर स्टार, जिसके लिए पता नहीं नेदर स्टार ही तो है, हाँ नाम तो हाँ नेदर स्टार ही है, और वो चाहिए होगा हमें ताकि हम भाई अपने स्ट्रॉन्ग वेपन बना सकें। तो भाई मैं ये बना रहा था ये फार्म ताकि मैं जल्दी से वो के सब कुछ कर लूँ। तो मैंने शायद से नेदर स्पॉनर भी बना लिया था, और मैं यहाँ पर बस मैंने ये ट्रैप डोर लगाए थे ताकि पानी नीचे ना जाए, और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भाई हाइट पे आया था और नीचे होपर लगे हुए थे। तो फिर मैं यहाँ पे अपना भाई प्लेटफॉर्म बनाने लग गया ये मॉब फार्म का। तो भाई यहाँ पर जल्दी से ये बन रहा है, और आप देखते रहिए भाई इस वीडियो को। और भाई यहाँ पर ये भाई छोटा सा ही बनेगा, और क्योंकि भाई आपको तो पता ही होगा स्पॉनर से भाई बहुत ज़्यादा स्पीड में स्पॉन होते हैं, बस भाई एक ही टेंशन थी कि यहाँ पर एनर्जी आएगी या नहीं, पर वो भी देख लेंगे। तो फिर मैंने पानी बनने के लिए भी रख दिया क्योंकि मुझे वाटर का इन्फिनाइट सोर्स चाहिए था। तो फिर मैं यहाँ पे भाई बिल्ड करने लग गया अपना ये सारा का सारा, और 3 ब्लॉक की हाइट रखी ताकि भाई विदर स्केलेटन सफोकेट करके ना मर जाएँ। और भाई जल्दी से, और यहाँ पर भाई जल्दी से मैं बिल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पर जल्दी से और यहाँ पर बस होने वाला भाई वॉल तो बन जाएगी यहाँ पर अब। और अब शायद से मुझे इसकी हाइट और बढ़ा देनी चाहिए, मे भी बढ़ा लेंगे भाई। तो भाई यहाँ पर मैं जल्दी से बनाने लग गया, और भाई यहाँ पर मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी इन सब चीज़ों की, क्योंकि भाई अगर मैं वीडियो में करता तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती, और वैसे भी वो वीडियो करप्ट हो चुकी है। और भाई यहाँ पर मैंने सब कुछ अपना इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाया और 4 बकेट वाटर लेके आ गया। फिर मैंने दोनों साइड डाल दिया, और यहाँ पर मुझे पता नहीं है वर्क करेगा या नहीं, मैंने तो भाई ऐसे ही सोच के बना दिया। और मैंने इसकी हाइट भी बढ़ा दी, 4 ब्लॉक की कर दी। फिर मैं इसका रूफ़ बनाने लग गया, क्योंकि रूफ़ बनाने के बाद मैं जल्दी से मॉब स्पॉनर रख के जाऊँगा और टेस्ट भी कर लूँगा कि इसमें मॉब जा रहे हैं या नहीं, अगर नहीं जाएंगे तो मैं वाटर हटा दूँगा या कुछ और कर दूँगा। तो फिर मैंने नेदर स्पॉनर और होस्टाइल मॉब स्पॉनर ले लिया, नेदर स्पॉनर मैंने बना लिया, और यहाँ पर जल्दी से मैं बना लिया था मैंने नेदर स्पॉनर, और फिर मैं जेट पैक से ऊपर आया, और फिर मैं भाई चेक करने लग गया कि यहाँ पर मॉब स्पॉन हो रहे हैं नहीं, मतलब और यहाँ पर भाई स्पॉन हो रहे थे, यहाँ तक इसकी पावर आ रही थी हमारे पावर कोर की, पर भाई ये मॉब ना भाई बीच में फंस रहे थे, तो इसका भी कुछ ना कुछ करना था। तो इसको कुछ करने के लिए फिर मैंने भाई थोड़ा सा सोचा, और मैंने वहाँ से पानी हटा दिया। फिर भाई मॉब तो आ रहे थे धीरे धीरे, पर मुझे थोड़ा सा AFK करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने चलाया तो यहाँ पर भाई बहुत कम मॉब आ रहे हैं, और यहाँ पर मुझे एक रेयर बैग भी मिल चुका है, और ये भाई नीचे वैसा ही है जैसे स्टोन का वो होता है मॉब फार्म, बस ये छोटा वाला है। और यहाँ पर मैंने नेदर पोर्टल भी बना दिया था, अगर आपको बताना हो मैंने ऑफलाइन ही बना दिया था, क्योंकि हमें भाई एंशिएंट डेब्रिस भी फार्म करने जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वांटम माइनर चाहिए नेदराइट वाला। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भर भर के रिसोर्स हो चुके हैं, तो इसको डबल चेस्ट कर दूंगा मैं अभी। तो भाई यहाँ पर मुझे पहले डबल चेस्ट ही कर देता हूँ, और ये डबल चेस्ट हो गई, अब स्टोरेज भी होगी बहुत। तो अब मुझे पता है मुझे वेपन्स चाहिए यार, मैं उनको भाई इससे मार रहा हूँ पिकैक्स से, मैं सोच रहा हूँ एक ये एक्स बना लूँ, तो आयरन की एक्स बना ली, और चलो भाई उसको मारते हैं। तो मैंने थोड़ा सा AFK करा, और यहाँ पर मॉब आना शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ पर आ तो रहे हैं पर धीरे धीरे आ रहे हैं। मुझे शायद से भाई सोलर पैनल बढ़ाने होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर पावर नहीं आ रही है भाई ज़्यादा, क्योंकि भाई आधे ज़्यादा पावर मैटर कन्वर्टर जैसी मशीन ले रही है, और वॉइड माइनर और फर्नेस मैकेनिकल फर्नेस वगैरह ले रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है सोलर पैनल पर, तो मुझे भाई बढ़ाने होंगे सोलर पैनल। तो मैंने यहाँ पर मार दिया इन सबको, और मैंने सोचा चलो इस रेयर बैग को अभी खोल लेते हैं, क्या करेंगे आगे के लिए बचा के। तो मैंने खोला, और मुझे भाई इससे मिला एक टूटी हुई फिशिंग रॉड, और एक केक और एक ब्रेड, और एक शायद से डायमंड भी मिला था, और एक
चेन के बूट मिले थे। तो फिर यहाँ पर ये तो काम हो चुका था, तो ये मैं इतना अपने दूसरे काम भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और जगह बनाने के लिए मैं सोचता सोलर पैनल को एक के ऊपर एक रख लेते हैं। तो फिर मैं जल्दी से सारे सोलर पैनल एक के ऊपर एक रख देता हूँ और भाई जगह भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। और फिर मैं जल्दी से जाता हूँ और अपनी भाई वर्ल्ड माइनर की चेस्ट से रेडस्टोन और सारा लैपिस ले लेता हूँ ताकि मैं भाई सिंपल वाले बना सकूँ, क्योंकि एडवांस वाले बनाने के अभी एडवांस वाले हम ज़्यादा नहीं बना सकते क्योंकि डायमंड तो अभी भी भाई कम ही आ रहे हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, शायद से मुझे वर्ल्ड माइनर इंक्रीज़ करने होंगे। तो फिर मैंने बहुत सारे कॉपर के ब्लॉक बनाए, फिर मैंने अपना भाई सोलर पैनल फाइनली 9 बना लिए। फिर मैं जल्दी आता हूँ और ये सारे लगा देता हूँ और यहाँ पर भाई टोटल 18 लग चुके हैं। तो अब शायद से भाई ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा इस पर। और फिर यहाँ पर भाई मॉब भी स्पीड में आना शुरू हो गए और फिर यहाँ पर विदर स्केलेटन भी आना शुरू हो गए। इसका मतलब भाई सोलर पैनल में ज़्यादा लगाने से ना भाई उसमें पावर आ रही है और अब भाई अब लगातार मॉब भाई स्पॉन कर रहा है स्पॉनर। तो भाई ये काम तो हमारा हो चुका है और क्रीपर भी आ रहे हैं, भाई इन सब बच के रहना होगा कहीं ये फट जाएँ और भाई ऐसी तैसी हो जाएगी बेस की। और भाई यहाँ पर मैं इन सबको मार देता हूँ और भाई यहाँ पर मेरी एक्स भी ना पूरी टूट चुकी है भाई। और यहाँ पर एक और रेयर बैग मिलता है मुझे, तो मैं सोचता हूँ इसको भी अभी खोल लेते हैं। इसके बाद तो भाई इकट्ठे करके लेजेंडरी बैग ही खोल लेंगे। तो यहाँ पर मैं रेयर बैग खोल लेता हूँ और यहाँ पर मुझे मिलता है कुछ वाइट वूल वगैरह और कुछ नहीं। तो फिर ये तो काम हो चुका था, तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर भाई पैट भी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे महंगे वाला पैट बनाएंगे जो है भाई अपना लेजेंडरी पैट। इसके लिए भाई एक डायमंड का ब्लॉक लग गया, चलो भाई कोई बात नहीं, पर इसको बना लेते हैं भाई काम आ जाएगा। तो इसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ और डायमंड ले लेता हूँ। और मेरे पे भाई डायमंड अब आ तो रहे हैं अच्छे खासे, पर इतने भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो आयरन तो है मेरे पे, बस मुझे ब्लॉक्स बनाने हैं इनके और जल्दी से बना लेते हैं। ये बना डायमंड का ब्लॉक, ये बने गोल्ड के ब्लॉक, तीन ही चाहिए शायद से, और ये बने आयरन के ब्लॉक। तो भाई ये क्यों नहीं बन रहा है भाई लेजेंडरी वाला, तो भाई देखना पड़ेगा शायद से। तो ये लेजेंडरी वाले के लिए भाई एक गोल्ड का ब्लॉक कम पड़ रहा है भाई, 4 लगेंगे इसको बनाने के लिए। और भाई यहाँ पर मैं जल्दी से बना लेता हूँ अपना गोल्ड का ब्लॉक और भाई ये बना लेते हैं। और अपना भाई लेजेंडरी पैट आने वाला है और इसको भाई मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे होता है ये यूज़। और क्या मिला मुझे पिग, अबे भाई मैंने अपना एक डायमंड का ब्लॉक ही इस पिग के लिए भाई बर्बाद करा। चलो भाई यूज़ करते हैं भाई, एक डायमंड के बदले मुझे मिला है भाई एक बड़ा सुअर। अबे भाई इसकी HP तो देखो भाई है तो ठीक ठाक ही, पर क्या करूँगा मैं इसका। मैंने सोचा था भाई कुछ बढ़िया सा निकल जाएगा, आयरन गोलम वगैरह कुछ निकल जाएगा लेजेंडरी में जो मेरी हेल्प भी कर देगा, पर भाई यहाँ पर ये तो भाई कबाड़ा निकल गया। पर मैं देखता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये मॉब को मार रहा था और ये नीचे गिर गया। पर आप सोच रहे होंगे अब तो ये गया और आपको वेस्ट भी हो गया, पर नहीं भाई, ये इसलिए दिया गया है कि अगर ये वॉइड में गिर के मर भी गया तो हम भाई इसको वापस रिकॉल कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है भाई, आगे जाके जब ज़्यादा रिसोर्स आएंगे तो बहुत सारे लेजेंडरी पैट बनाएंगे और फिर यूज़ करेंगे। तो भाई ये तो हो चुका था तो हमारा काम, और ये लेजेंडरी पिग भाई बस हो गया भाई हमारे साथ स्कैम, एक गया एक हमारा डायमंड का ब्लॉक। और भाई अब मैंने सोचा कि इसको मार देता हूँ तो एक मॉब को मारूंगा तो ये खुद आ जाएगा, ये पता नहीं भाई कहाँ चले गया। और ये रहा भाई, ये भाई कबाड़ा है भाई हमारे लिए। फिर मैं भाई थोड़ी सी तैयारी करके नैदर गया, मैंने सोचा थोड़ी सी एंशियंट डेब्रिस लेके जाता हूँ, मतलब लेने जाता हूँ फार्म करने। और फिर मैं जाता हूँ और भाई मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ और इतनी बेकार स्पॉन पे आया हूँ ना मैं इस बार, क्या बताऊँ भाई यहाँ पे तो एंशियंट डेब्रिस मिलने के भी नहीं। यहाँ पे अगर मैं खुदाई करूँगा ना लावा ही निकलेगा। और मैं देखता हूँ भाई कुछ कुछ ये ग्लोस्टोन के भाई पता नहीं क्या फैंस जैसी लगी हुई थी, और मुझे यहाँ पे भाई नैदर रैक के भाई ये कट्टे कट्टे भी दिख रहे थे। ये भी सही है भाई, वैसे भाई थीम तो बहुत अच्छी लग रही है इसकी, ये देख सकते हो ये लगे हुए हैं कट्टे। और ये मैं सोच रहा था बैशियन ही मिल जाए, वहाँ से भी नैदर राइट मिल सकता है। और यहाँ पर देखो ये कट्टे हैं, इससे भाई नैदर रैक मिलेगा। चलो भाई ये भी सही है। फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखा, पर यहाँ पर तो भाई दूर दूर तक बस ये मैग्मा क्यूब और एक गास्ट घूम रही थी। और फिर भाई मैं घर आ गया वापस। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। आई होप यार आपको भाई आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। तो चलो भाई मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। चलो भाई मिलते हैं।